नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। इस वक्त पूरे ही देश भर में रंगों का त्यौहार होली सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहां एक तरफ घर घर में लोग रंगों में रंगते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार कितना चिंतित परेशान है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की रिमांड पर हैं। आपको जानकारी दे दें कि होली के महज 4 दिन पहले ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया दूसरे ही दिन, और फैसला ये सुनाया गया कि अरविंद केजरीवाल 6 दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। अब अगला फैसला 28 मार्च को सुनाया जाएगा। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन बात की जाए बीते पिछले साल 2023 में होली के त्यौहार के बारे में, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल की होली भंग कर दी गई थी ईडी की तरफ से। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बीते पिछले साल 2023 में 8 मार्च को होली का त्यौहार था, लेकिन इससे कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया अब भी जेल में बंद है। 1 साल हो चुका है मनीष सिसोदिया को। बीते साल 2023 में 26 फरवरी के दिन मनीष सिसोदिया को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था, और देखा जाए तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने होली नहीं मनाई थी। लेकिन इस बार भी अरविंद केजरीवाल होली नहीं मना पाएंगे। देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से मुश्किलों में फंसते ही जा रहे हैं। अब यहां पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए मोर्चा खोलती हुई नजर आ रहे हैं उनके समर्थक, वह लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल के परिवार में उनके माता पिता हैं, उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वहीं उनके 2 बच्चे हैं, बेटा है पुलकित और बेटी है हर्ष। आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि ईडी के अधिकारी मेरे घर आते हैं, तलाशी लेते हैं, और उस वक्त मैं अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था, मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद तक नहीं ले पाया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और अब देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी लगातार अपनी बात जाहिर करती हुई नजर आई है, दुख को बताती हुई नजर आई है, क्योंकि वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो मुख्यमंत्री रहे हैं इस राज्य के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुनिए जरा सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया?
आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। फिलहाल देखा जाए, सुनीता केजरीवाल साफ तौर पर सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात रखी थी, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का जो संदेश था उसे भी वह पढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में केजरीवाल सरकार इस मुसीबत से छुटकारा पा पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।